सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक नमस्ते को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्ते, अदाब, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल बिजनेस क्रूसर में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे आज, इसका प्राइस कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, अभी करंट क्या सिचुएशन है दोस्तों पूरी मार्केट की, एंड तक बने रहेगा इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की अगर बात करें, अभी जो लाइव प्राइस चल रहा है दोस्तों $5,920 है इसका प्राइस। और ये दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ मेरा जो है 4 आवर्स का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं 4 आवर्स से नीचे का चार्ट कम ही खोलता हूँ। सो दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बोली थी कि ट्रेड जो है बिटकॉइन का, अगर बात करें लॉन्ग टर्म में, अभी तक वापसी इसकी नहीं हुई। चाहे जितना भी ऑनलाइन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये बोल रहा हो कि अभी वापसी आने वाली है, 15 दिन में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, बट मैंने एक चीज़ पहले आपको क्लियरली बोली थी कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की वापसी अभी तक नहीं दिखी है। एक पॉइंट है लास्ट वीकेंड के ऊपर मैंने आपको बोला था कि अगर उसको ब्रेक करता है, ये वीक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि ये वीक की कैंडल है, इसको क्लियरली इसने ब्रेक कर दिया है, बड़े स्ट्रांगली नीचे इसने ब्रेक करा है शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस और नीचे जा सकता है। तो दोस्तों क्लियरली वैसे ही हुआ, अगले वीक की कैंडल भी रेड और इस वीक की कैंडल भी रेड। तो देखिए लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बोला था कि ये नीचे जा रहा है, तो स्टिल इसकी सिचुएशन अभी भी नीचे तक है। तो अभी कितना नीचे जा सकता है उस टाइम के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 5200 जाएगा। तो एग्जैक्टली देखिए ये अप्रॉक्स 5200 के आसपास उसको टच करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बट अभी इसके लिए एक सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सी है दोस्तों? ये सपोर्ट है $5,913 के आसपास। उसका भी अगर हम शॉर्ट टर्म में खोल के देखें, चेक करें, शॉर्ट टर्म यानी कि मेरा जो नॉर्मल होता है ट्रेड डे के कैंडल्स के ऊपर होता है, तो अगर उसको भी खोल के देखें तो दोस्तों प्रॉक्स उसी के पास घूम रहा है अभी ये करंटली। अगर ये डे में इस कैंडल को क्रॉस करता है, करके नीचे जाता है, तो ये इजीली दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में, 1-2-3 दिनों में, अगले हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों ये 5200 को इजीली टच करेगा, अगर ये 5900 को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है। और एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको और बोली थी कि ट्रेडिंग जो है आप टेक्निकल करो, फंडामेंटल्स करो, ट्रेडिंग जब भी अपनी औकात पे आती है दोस्तों, उसके ऊपर कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो RSI हो, बोलिंजर बैंड हो, मूविंग एवरेजेस हो, MACD हो, सारे इंडिकेटर्स को तोड़ के यानी कि सबको फेल करके वो अपनी एक तरफ मोमेंटम की ओर चलती रहती है दोस्तों ट्रेडिंग। तो एग्जैक्टली बिटकॉइन वही चीज़ करने की कोशिश अभी कर रहा है। कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, कोई ट्रेंड लाइन हो, कोई इंडिकेटर हो, सबको वो ब्रेक करके एक अपनी रिदम में नीचे जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों कितना डाउन जाएगा इसको हम चेक करते हैं वीकली चार्ट में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये थोड़ा सा क्लियर करेगा कि कितना नीचे जा सकता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर बात करें, देखिए 5200 तो सबसे पहली बात, अगर करंट सिचुएशन को ब्रेक करेगा तो 5200 इजीली दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों, उससे नीचे जो मेरे अकॉर्डिंगली सपोर्ट है वो है 3700 के आसपास, 3600 यानी कि 3700 के आसपास अगली सपोर्ट है दोस्तों। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट रहेगी दोस्तों, 2600 से लेके 2000 के बीच में, मे बी यहाँ पे ट्रेवल करे थोड़ी देर, और उसके बाद ब्रेक करके $1000 से नीचे भी जा सकता है। तो दोस्तों अभी मेरी वीडियो देख के उसको पैनिक नहीं होना कि ये क्या बता रहे हो आप, कि सीधा $5000 $6000 के आसपास है, इससे $1000 में चला जाएगा। तो दोस्तों बिटकॉइन है, बिल्कुल पॉसिबल है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी इसका प्राइस मूव कर सकता है, बट इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे अकॉर्डिंगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर इनको ब्रेक करेगा तो ऊपर के रेजिस्टेंस जो है उनके को फॉलो करना चाहिए इसको, इन सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए और ऊपर वाली रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए ब्रेक करके इसको ऊपर जाना चाहिए। बट करंट सिचुएशन जो है इसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि ये बुल में है या नहीं है दोस्तों। मार्केट की बात करोगे दोस्तों, जब ये ऊपर ट्रेंड में जा रहा था तो उस समय प्रेडिक्शंस आ रही थी बड़े बड़े लोगों की कि ये जो बिटकॉइन है $50,000 टच करेगा दिसंबर तक, किसी की आ रही थी $100,000 इजीली टच कर जाएगा इसी दिसंबर तक, दिसंबर 2018 तक। जब नीचे आना शुरू हुआ तो ये थोड़ी सी जो वर्डिंग थी चेंज होनी शुरू होगी इन सब की,
फिर वर्डिंग क्या थी दोस्तों, बिटकॉइन जो है इस साल में $25,000 तक इजीली टच करेगा, $20,000 तक इजीली टच करेगा। अभी करंट सिचुएशन में ये चीज बोली जा रही है दोस्तों, जितने भी आर्टिकल पढ़ता हूँ कहीं पर भी न्यूज देखता हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम यही होती है कि ये बिटकॉइन जो है दिसंबर 2018 तक $10,000 पे ऊपर स्टेबल होगा दोस्तों। तो ये जो न्यूज होती है दोस्तों प्राइस बढ़ने की या गिरने की, ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है। जैसे मैं अपनी स्टडी करके यहाँ पे प्राइस की जो एक मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसे ही दोस्तों चाहे बड़ा एनालाइजर हो, बड़े ट्रेडर्स हो, उनका भी जस्ट एक थॉट होता है, स्पेकुलेशन होती है कि इतना प्राइस अप जा सकता है, इतना डाउन जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस अप जाना या डाउन जाना वो अलग बात है, प्राइस का स्टेबल होना फंडामेंटली तो देखिए कुछ भी हो सकता है, कभी कोई न्यूज़ आ गई पॉजिटिव आ गई चढ़ जाएगा, अगर बुरी न्यूज़ आ गई तो गिर जाएगा। जो टेक्निकली है इसको पहले, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंगली टेक्निकली इसको जो है थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, ताकि इसकी जो एक बार स्टेबल होने के बाद एक मूवमेंट पता चले कि इसने कहाँ पे जाना है। अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो नीचे ही जा रहा है, बट स्टेबिलिटी के बाद एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर होगी कि इसने ऊपर जाना है या नहीं जाना। आप कुछ देर और वेट करो, जस्ट और जस्ट हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना वेट करो। अगर ये प्राइस ऐसे ही गिरता गया तो आपको मार्केट से एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी, हर एक चैनल के ऊपर, हर एक आर्टिकल के ऊपर, हर एक जगह के ऊपर दोस्तों, बिटकॉइन एक बबल है, बिटकॉइन फटने वाला है, बिटकॉइन स्कैम होने वाला है, जल्दी आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी दोस्तों, अगर ये प्राइस ऐसे ही नीचे जाता रहा दोस्तों। सो अभी अगर मार्केट की बात करें, करंट जो नेक्स्ट बैरियर बोला जाता है, सब लोग बोल रहे हैं 4,000, हर एक की अपनी अपनी स्टडी है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी ये 5,200 है, उसके बाद अगर नीचे जाता है तो दोस्तों 4,000 तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली 3,700 तक इजीली जाएगा दोस्तों। एक चीज़ के लिए दोस्तों मैंने पहले भी अवेयर करा था कि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं जो लोग, वो अभी रुक जाओ, ट्रेडिंग मत करो, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो अल्टकॉइन हो, क्योंकि बिटकॉइन देखिए अभी गिर रहा है तो वो अल्टकॉइन को भी साथ में नीचे लेके आ रहा है। तो क्या होगा कि आप जो भी परचेज करोगे और डिप में चला जाएगा। अगर आपके पास $ है, INR है, उसको सेव करके रखो, जब आपको अच्छी सिचुएशन मिलती है तो उस समय आप बाय करने की कोशिश करोगे। और एक बात दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को तकरीबन सबको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि जो RBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग थी नेक्स्ट जो 20th of July की थी, वो प्रीपोन हो चुके, 3rd of July को हो चुके। 3rd of July को एक्जैक्टली पता चलेगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का INR के साथ बैन लगेगा या इसमें हम ट्रेडिंग कर पाए। तो एक्सपेक्टेड दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है, ये बैन नहीं लगेगा, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। या यहाँ पे क्या होगा कि एक और डेट मिलेगी अगले 2-6 महीने बाद की, उस डेट तक फिर ये स्टेबल रहेगा मार्केट में, INR में हम एज इट इज ट्रेड कर पाएंगे, बाइंग सेलिंग कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट स्टिल दोस्तों इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे सकती है, RBI की फेवर में अगर डिसीजन आ जाता है दोस्तों तो इंडिया में तो फोर शोर प्राइस गिरने वाला है और। तो अभी बाइंग मत कीजिए, अभी वेट कीजिए थोड़ी सी। जो बाइंग थी दोस्तों, अगर रिस्क लेना था वो था $6,500 के आसपास। मैंने कई लोगों को बोला था कि जो परचेज करना चाहते थे उनको बोला था कि वेट करो $6,500 तक। आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि वो स्पोर्ट अच्छी थी, उसको अगर ब्रेक करके नीचे आता तो आप देख ही सकते हो और नीचे है अभी, वहाँ पे रिस्क लेने वाला बनता था। अभी रिस्क लेने वाला बिल्कुल नहीं बन रहा, टिल द टाइम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए दोस्तों, हमें वेट करनी है उसकी, उसके बाद एग्जैक्टली हम डिसीजन लेंगे होगा क्या। एक चीज़ ये भी हो सकती है, अभी इसी रेट के ऊपर फ्लैट ही स्टेबल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का उस दिन डिसीजन नेगेटिव आ जाए, $6,000 ही उस टाइम के ऊपर प्राइस हो मार्केट का, इंडिया में ये इजीली दोस्तों $5,000-4,500 आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट RBI के फेवर में जाती है तो। सो दोस्तों अब की बात है, अब की अगर देखोगे तो कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं है दोस्तों, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कितना अप जाएगा बिटकॉइन, अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। रीज़न कि अभी तो डाउनफॉल में है और ये स्टेबल ही नहीं हो रहा, तो ऊपर की प्रेडिक्शन क्या होगी। ऊपर की प्रेडिक्शन 100% फेक है दोस्तों, मार्केट में जितनी भी आपको देखने को मिलेगी उसको भूल जाइए, उसके ऊपर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। अभी करंटली ये देखिए बिटकॉइन अगर आपके पास पड़ा हुआ उसको स्टेबल, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड हो इसको रखो दोस्तों, वेट करो, फॉर श्योर बुल आएगा, जब बुल आएगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि ये अब थोड़ा सा लॉन्ग रन में जाएगा बिटकॉइन, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टर्म में आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 7 के अंदर अंदर स्टेबल होकर प्राइस बढ़ना शुरू होगा। ये जो आपको बूम दिख रहा है दोस्तों ये अगेन नहीं आएगा, और मेरे अकॉर्डिंगली ये बूम आना भी नहीं चाहिए। अगर ये आता है ये कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं होगा दोस्तों, ये होगा एक नेगेटिव सिम्टम। अगर ये बूम आता है दोस्तों ये गारंटी है, 100% फॉर श्योर है कि बिटकॉइन को
मैनिपुलेट किया जा रहा है, अभी भी वैसे बोला जाता है कि मैनिपुलेट हो रहा है बिटकॉइन। अगर ऐसा ही बुल अगेन आता है, ये $20,000 के ऊपर गया था, ऐसे ही घूम के वापस ये $40,000 दिखा देता है सडनली एक डेढ़ दो महीनों के अंदर अंदर, तो दोस्तों 100% बिटकॉइन स्कैम है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ फिर ये स्कैम है। जेन्युइन ट्रेडिंग की बात करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मार्केट में पैसा तो फ्लक्चुएट करता है, ऐसा बुल अगेन मेरे को नहीं लगता कि इजीली आना चाहिए। अगर ये इजीली आता है ये बुल रन तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये टेंशन वाली बात हो सकती है, बट अगर वैसे बात करी जाए, मैं ये जस्ट आपको नेगेटिव नहीं कर रहा दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंगली बिटकॉइन बहुत बढ़िया करेंसी है। अगर US डॉलर एक मदर करेंसी इंटायर वर्ल्ड में मानी जाती है दोस्तों, तो ऑनलाइन मीडिया में बिटकॉइन आने वाले टाइम के ऊपर ये मदर करेंसी होगी एंटायर ऑनलाइन मीडिया के ऊपर। US डॉलर को छोड़ के दोस्तों इसकी ज़्यादा डिमांड होगी, इसकी यहाँ पे सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगी ऑनलाइन में। बिटकॉइन को लेकर दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, जस्ट आपको एक जो इसका एग्जैक्टली सिनेरियो है वो दिखाने की जस्ट कोशिश कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों, पैनिक में नहीं आना, टेंशन में नहीं आना, लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ दो, अपने जो काम कर रहे हो आप अपने काम की तरफ ध्यान दो, आप जॉब करते हो जॉब में जाओ, आप बिजनेस में ध्यान दो। अगर आप 100% क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हो तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, जस्ट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहो, इसको वॉच करते रहो देखते रहो, बट इसमें अभी एंट्रेंस एग्जिट करने की कोशिश मत करो, अभी वेट करो थोड़ी सी। अल्टकॉइन कोई कोई है जिसमें चांसेस मिल सकते हैं अर्निंग के, बट वो भी अभी जब तक स्टेबल नहीं होता मैं बोलूँगा कि मत, वो रिस्क भी आप मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाएंगी अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपडेट रिगार्डिंग बिटकॉइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, परिग्रह।